सो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग आज के नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है आएगा ना तो so, में आपका फिर से स्वागत है और मैं बता दूं ये मेरा माय फर्स्ट ब्लॉग नहीं है समझ रहे हो? हो? हो समझ रहा, समझ रहे ना? इससे पहले भी मैं वीडियो बनाया हूँ और हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा तो so, गाइज बस मैं ये पर्पस से बनाता हूँ ताकि मेरा एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा है तो गाइस आप लोग प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़ आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए और गाइस वीडियो को आप लोग वायरल ज़रूर करें तो गाइस मैं बता दूं मैं अभी आ चुका हूँ खेत ठीक है ये जो है खेत है भागलपुर का भागलपुर से थोड़ा हट के है ठीक है आप उधर देख सकते हैं तो बहुत दूर में आपको एक बिल्डिंग दिख जाएगा ठीक है मगर भागलपुर से जो अलग से है यानी पुल पार करिएगा ना तो हम लोग इसे कहते हैं दीरा भी ठीक है और देख सकते हैं यहाँ कितना शांत शहर से कितना अलग है ये गांव बात तो सही है और देख सकते हैं एक छोटा सा गांव भी यहाँ बसा हुआ है सरकारी स्कूल भी आपको वीडियो में दिखता होगा तो गाइज मैं बता दूँ शहर में इतना इतना एकदम रश है भीड़ है शोरगुल है गाइज यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि मेरा जो मिजाज जो होता है ना गाइस दिल खुश हो जाता है सुकून का नाम सुना है हाय <laughs> इतना सुकून ठीक है क्योंकि शहर में हर तरफ पोल्यूशन ये है और यहाँ देखिए शुद्ध हवा चल रही है एकदम मज़ा आ गया है तो गाइस चलिए आपसे कुछ फनी बातें भी किया जाए बड़ा तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें यूट्यूब पर हमें मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ फिर भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा है तो गाइज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे तभी जो यूट्यूब जो है हमारा वीडियो रिकमेंडेड आर करेगा लोगों के पास ठीक है तो गाइज़ और मैं बता दूं आप सभी को ये जो ज़िंदगी है बहुत ही टेंशन भरा होता है ख़ास करके ठीक है तो आप लोग ये ज़िंदगी से बिल्कुल ना हारें और मस्त रहे टेंशन है दुख है एक गाना याद है ना दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है दुनिया में कितना गम तो गाइज ये गाना आप सुने होंगे जरूर सौ परसेंट तो गाइज आप लोग दुख हर आदमी के जीवन में होता है मगर वो समय के साथ वो सह लेता है और अपना काम जारी रखता है क्योंकि अगर आप दुख सहेंगे तो आपसे कोई काम नहीं हो सकेगा तो दुनिया में दुखी दुख है तो आप लोग जीवन में खुशी रहें यानी खुश बहुत ही मुश्किल से आदमी रह सकता है यानी स्माइल भी जो आजकल कर, करता है ना गाइज बहुत ही मुश्किल से स्माइल करता है अच्छा हमको सिखा दिया है क्योंकि दुख बहुत है इस दुनिया में तो गाइज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ ये ब्लॉग में जैसे महात्मा बुद्ध हुए ये अगर इनका वीडियो आप लोग देखेंगे ना मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ गाई आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ अपने जीवन में छोटी सी उम्र में वो बहुत ही ज्ञानी थे यानी बहुत ही अच्छे थे उनका जो सद्भाव है बहुत ही अच्छा रहता था बचपन ही से और जैसे वो जवान हुए ना तो वो देखने लगें यानी एकक घर में दुख है महात्मा बुद्ध जो है वो सब अपना ज़िंदगी छोड़ के सन्यासी बन गए और वो जब बाहर निकलें तो देखते रहेंगे कि इस दुनिया में कितना दुख है गाइस तो इसलिए मैं बता दूं कि आप लोग खुश रहें मस्त मस रहे, रहें स्वस्थ रहें मेरा बस यही आपसे कामना है और आप लोग हमें भी खुश करें सब्सक्राइब करके लाइक करके सपोर्ट करके ठीक है गाइज आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक कर दे कमेंट कर दे कमेंट ज़्यादा करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है फिर मिलेंगे नया दिन नया सफ़र और नए वीडियो के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत